हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे किसानों के हक में सरकार ने नया साल पर क्या क्या चीज़ लॉन्च की है, और कुछ तीन चीज़ों पे किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक, आपको फुल डिटेल मिलेगी किसानों के हक में क्या तीन चीज़ें दी हैं सरकार ने। तो नए साल में किसानों के लिए तीन खुशखबरी, गन्ना और बिजली में राहत। तो दोस्तों, किसानों के लिए गन्ना और बिजली में राहत मिलेगी। तो गन्ना किसानों को मिलेगी 35 करोड़ की सहायक, और बिजली सब्सिडी बनी रही है। तो दोस्तों, बिजली सब्सिडी बन रही है, तो गन्ना किसानों के लिए 35 करोड़ रुपए मंजूरी बकाया का होगा भुगतान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मंत्रिमंडल समिति की बैठक हुई है, इनमें गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रुपए की सहायक देने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि इस समय देश में करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवार के, इसके अलावा चीनी मिलों में तथा इसके सहायक गतिविधि काम करने वाले करीब 5 लाख मजदूर हैं, और इन सभी आजीविक चीनी उद्योग में निर्भर हैं। किसान अपना गन्ना चीनी मिलों में बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिक से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी की अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है, और इसके गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान कराने की होगी, और सरकार इस उद्देश्य के लिए 3500 करोड़ रुपए बकाया करेगी। इस सहायक सहायता की उद्देश्य से राशि को चीनी मिलेगी, और ओर से बकाया का भुगतान के तैयार पर सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। शेष राशि यदि बचेगी तो उसे चीनी मिल के खाते में जमा कर दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार की सभी योजना की जानकारी के लिए ये डाउनलोड करें। तो 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। केंद्र सरकार के इस निर्णय के 5 करोड़ गन्ना किसानों को, इसके परिवार तथा चीनी मिलों को अन्य सहायक के काम करने वाले 5 लाख कारोबार में लगभग होंगे, जैसे कारोबार के लगभग होंगे। सब्सिडी के उद्देश्य चीनी मिल द्वारा चीनी सूत्र 2020-2021 के दौरान, जैसे 2020 अब 2021 चल रही है, इस दौरान पर सरकार ने ये गन्ना 5 करोड़ गन्ना वालों को ये छूट दी जा रही है। तो दौरान अतिरिक्त निर्यातता मिलेगी, तो कोटे के लिए तहत 60 लाख मीट्रिक टन के मात्र तक चीनी का न्यूनतम करने का उसका प्रबंध सुधार था। अन्य लगातार और राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन का एक माल बढ़ा हुआ है, और समेत में उसके आने वाले कुल बाजार कीमत का पूरा करना होगा। किसान आंदोलन, किसान की दो मांग पर सरकार ने जताई समिति। कृषि कानून को लेकर चल रही किसानों को आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियनों को बातचीत में दो राहत भरी खबर सामने आई है। तो किसान की ओर से केंद्र सरकार को दिए गए कई प्रस्ताव में से दो प्रस्ताव पर मोदी सरकार ने अपनी सहमति जताई है। किसानों और सरकार के बीच छठे दौरान पर बातचीत में बिजली बिल के मामले को सुलझा दिया गया है, और अपने पहले जुर्म से नहीं किया जाएगा। पाँच घंटे चली बैठक में बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि परिणाम नहीं होगा और बिजली बिल का मसाला में सुलझाव मिलेगा। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक सरकार ने बुधवार को MSP खरीद प्रणाली। तो दोस्तों, आपने हमें कीमती समय दिया, कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में शुक्रिया।